एक सही मुस्लिम की एक ये भी तो हदीस है जिसके अंदर एक दफा पैगंबर इस्लाम ने एक औरत को देखा बाहर, और वो औरत को देख के उनको इतने वो जज्बाती हो गए, उनको इतनी अच्छी लगी कि वो औरत तो चली गई, उनकी जो नज़र उस पर पड़ी ऐसी पड़ी कि वो फिर घर आ गए हजरत जैनब के साथ, फिर उन्होंने जी हमबिस्तरी की। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है जी जी उसी वक्त। जी जी ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हो जी, आप। जिन तो लोगों को नहीं आप पता, ये अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं कि सही मुस्लिम की 1403। एक गुजरती बिल्कुल औरत नबियों के सरदार को जो है हिला के रख दे, सही। राह जाती औरत नबियों के सरदार को सेक्सुअली हरास करे, या क्या कहना चाहिए, इमोशनल ब्लैकमेल कर जाए, और इबलीस जो है आपको ऐसा हॉर्नी कर दे, हॉर्नी कर दे। चक्कर दे के वो जनाबे अली आपको भागना पड़े, है ना। अगर भागते ना तो शायद तमाशा लग जाता वहां पे। यही तो कयामत है, जब ये सब सुनाता हूं ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। के सही बात। आप समझ रहे हो ना, एक मर्द के जज्बात जब उभरे हो और वो बाजार में हो, गली में हो, है ना, तो लोग कहेंगे यार ये कैसा बंदा है। तो हजरत मोहम्मद को वहां से भागना पड़ा। तो आप, हम कहते हैं ना कि यार ये सेक्स के लिए बंदा तैयार है, ये लड़का बिल्कुल तैयार है, ये इसकी हरकत देखो। दोस्तों, अगर आपको माइनॉरिटीज़ के गरीब बच्चे जो अपनी किताबें, यूनिफॉर्म या एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते गुरबत की वजह से, अगर आप उनकी मदद करना चाहें तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। www.patreon.com जमाते हक पर जाकर इनको ज़रूर मदद करें। है ना, लोग लड़कों को मार पड़ती है बाजार से कि वो औरतों के साथ टच करते हैं और फिर उनका जिस्म जो है वो सेक्स के लिए तैयार हो जाता है और फिर लोगों को नजर आता है और लोग उनको पकड़ के मारते हैं। जी, तो हजरत मोहम्मद की ये हालत हो गई थी ना, मुझे वो लफज नहीं कहना चाहिए, मैं मेरे जबान लड़खड़ा रही है कि आप सरे बाजार जो है, आप पता चल रहा है कि आप जो है सेक्स के लिए तैयार है बिल्कुल और बिल्कुल। आपको भाग के जाना पड़ा जैनब के पास। आ गया तू जवान हो। बिल्कुल जी, जुबान हमारी लड़खड़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो वो कह रहे हैं जो सही मुस्लिम ने बोला है। यहाँ पे ये देखें, हाँ यहाँ जी लिखा हुआ है, यहाँ तो साफ लिखा हुआ है, यार, जाबर रिपोर्टेड दैट। हम ये बातें ना ट्रांस, यकीन करो इंजीनियर भाई, मैं ये बातें ट्रांसलेट नहीं कर सकता, मैं ये बातें अपनी जुबान से कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे मसीह बहन भाई सुनने वाले हैं और मसीह बहनें सुनने वाली हैं, मेरी बेटियां सुनने वाली हैं, मेरी बहनें सुनने वाली हैं। तो ये मैं क्या बयान करूं कि हजरत मोहम्मद बाजार में खड़े हैं और उनका हथियार खड़ा हुआ। सही बात, बहुत शर्म बात। मुझे तो ये शर्म आती है कि नबियों का सरदार ऐसे करेगा। जी, मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो अगर वो इस ज़माने में होते और वो अमेरिका के बीच से गुजर रहे होते, फॉर एग्जांपल हाँ फ्लोरिडा या मियामी के बीच से गुजर रहे होते तो वो और वहाँ पे डिस्चार्ज इनकी नज़र पड़ जाती, तो फिर क्या होता? खुदा माफ फरमाए यार, बात दूसरी तरफ निकल गया। आप ना ऐसे मुझे ना प्रोवोक किया करें, आप ऐसी यदि सामने ले आते हैं फिर मुझे कुछ कहना पड़ता। आप जो है ना, आप भी तो एक्सक्यूज मी, मेरी तो सारी ज्यादा ही हक गो हो गए। मेरी सारी खांसी बाहर आ गई मेरी आज। अच्छा और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।